सत श्री अकाल, मैं सिमरन तुहाडे सब दा स्वागत करती हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितां नूं आख्या कि जाओ जाके औरंगजेब नूं आख दिओ कि जेकर वह गुरु तेग बहादुर जी नूं राजी कर सकिया उन्हां दा धर्म परिवर्तन करन दे लई तां असीं सारे भी खुशी खुशी अपना धर्म बदल लवांगे ते इस्लाम कबूल कर लवांगे। जिवें ही यह संदेश औरंगजेब तक पहुँचया तो औरंगजेब ने आनंदपुर साहिब अपने सिपाहियों नूं गुरु साहिब नूं कैद करन दे लई भेज दिता, पर उस वेले तक गुरु साहिब जी पहला ही दिल्ली वास्ते रवाना हो चुके सी। उन्हां दा पहला चलन दा कारण यह सी क्योंकि गुरु साहिब जी दे मन विच यह सी कि वह औरंगजेब नूं मिल सकन, उस दे नाल गल कर सकन ते उस नूं इस जुलम करन तो रोक सके। पर उस वेले औरंगजेब दिल्ली नहीं सी, वह रावलपिंडी अपने कुछ दुश्मनों नूं सोधन गया होया सी। गुरु साहिब प्रचार करदे करदे दिल्ली तो आगरा चले गए। ता दिल्ली वो प्रचार कर रही सी सिक्खी दा, ता उत्थे उन्हां नूं औरंगजेब दे सिपाहियां ने कैद कर लिया। गुरु साहिब दे नाल उन्हां दे साथियां नूं भी कैद कर लिता गया ते उन्हां नूं कई तसीहे दित्ते गए, जिस तों बाद उन्हां नूं दिल्ली लिआउंदा गया अते उन्हां नूं धर्म बदलन लई आख्या गया। पर गुरु साहिब ते उन्हां दे साथी अडोल खड़े रहे, उन्हां ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। ता भाई सतीदास जी नूं आरियां दे नाल चीरिया गया ते भाई दयाला जी नूं उबल दी देग दे विच पा के शहीद किया गया। उत्थे ही भाई सतीदास जी दे पूरे शरीर दे नाल रूह लपेट के उन्हां नूं जिंदा साड़ के शहीद किया गया। इन्हां सब दे बावजूद भी गुरु तेग बहादुर जी अडोल खड़े रहे। जदों हाकमां ने उन्हां नूं धर्म बदलन लई कहा तां गुरु साहिब उन्हां हाकमां नूं आखण लगे कि तुसीं जो करना है कर लो, तुहाडे तों जो बनदा है तुसीं कर लो, पर असीं अपना धर्म नहीं बदलांगे। तां गुरु साहिब नूं चानी चौंक विखे उन्हां दा सीस धड़ तों वख करके उन्हां नूं शहीद कर दित्ता गया। गुरु साहिब दा सीस अते धड़ उत्थे ही पे सी। चानी चौंक दे विच वड्डा पहरा लगा दिता गया तां कि कोई भी सिख गुरु साहिब दा सीस जां फिर धड़ ना लैके जा सके। पर भाई जेता जी ते भाई दुल्लो जी अख दे फोर दे नाल इस तरह गुरु साहिब दा सीस लैके आए कि किसी नूं कन्नों कन्न खबर भी ना हो। ते जदों तक सिपाहियां ने यह वेख्या कि गुरु साहिब दा सीस नहीं विख रहा, उदों तक बहुत देर हो चुकी सी। भाई जेता जी अते भाई दुल्लो जी उस वेले दिल्ली तो बाहर निकल चुके सी। दो रातां ते दो दिन लगातार वह सफ़र करके कीरतपुर साहिब पहुँचे। जिवें ही वह कीरतपुर साहिब पहुँचे तां उन्हां ने आनंदपुर साहिब विखे यह संदेश भेजिया कि गुरु साहिब दा वह सीस लैके आए ने। अगले दिन जदों वह आनंदपुर साहिब पहुँचे तां बाल गोबिंद माता गुजरी जी दे नाल होर भी कई सिख श्रद्धालु उत्थे पहुँचे। तां भाई जेता जी ने गुरु तेग बहादुर जी का सीस बड़े ही सत्कार पूर्वक बाल गोबिंद की चोली विच पा दिता। बाल गोबिंद उस वक्त बड़े ही दृढ़ रहे अते वह बिल्कुल भी नहीं डोले। उन्होंने भाई जैता जी और भाई दुल्लो जी को थापड़ा दिता उन्होंने बहादुरी के लिए। उत्थे दूजे पासे गुरु साहिब जी का सच्चा सिख लखी शाह कपाह का गड्ढा लैके पहुंचा अते गुरु तेग बहादुर जी का धड़ उसने बड़ी ही चलाकी के नाल कपाह के गड्ढे विच लुको के अपने घर लिया। उसने चिता सजाई अते अपने पूरे घर में अग लगा दी। इस तरह गुरु तेग बहादुर जी के धड़ का संस्कार किया गया, जिथे अज रकाबगंज गुरद्वारा साहिब सुशोभित है। गुरु साहिब जी ने अपनी शहीदी तो पहला ही अपने पुत्र बाल गोबिंद को इस घटना के लिए तैयार कर दिता सी। अगे चल के गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा फौज तैयार की, जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और जुल्म का टाकरा किया, जुल्म ने जड़ों पुट के रख दिता। अजिहियां ही होर साखियां देखने के लिए जुड़े रहो सिख यूनिवर्स के नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।